हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर रोमा from BDS Institute of इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक विद यू विच वॉज वेरी मच इन डिमांड और बच्चे मेरे को रेगुलर ये मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम हम कितने कार्ड्स करें स्पीकिंग में तो कोई एंड ही नहीं है एक कार्ड करते हैं हम एग्जामिनर दूसरा पूछ लेता है दूसरा करते हैं पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है तो इसका एक बड़ा ईजी तरीका है विच आई टेक इट इन माई क्लासेज ऑल्सो मेरी ऑनलाइन क्लासेज में भी चलता है मेरे टेम्पलेट्स और क्यू कार्ड्स के जो कोर्सेज हैं उस पर भी मैंने ये आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस बिग प्रॉब्लम विच यू थिंक इज़ बिग पर ये बिल्कुल भी बिग नहीं है इसको मैं बोलती हूँ क्लबिंग ऑफ कार्ड्स कि हमने एक मेन कार्ड किया एक स्टोरी पकड़ी और उस स्टोरी को ट्विस्ट एंड टर्न कैसे करते हैं एक कार्ड में से कितने सारे कार्ड्स कैसे निकालते हैं इट इज़ ओनली यू नो आई टेल यू वन थिंग दैट स्पीकिंग इज़ नॉट अ हार्ड वर्क ऐसा नहीं है कि आप 500 कार्ड्स करके जाओ हज़ार कार्ड्स करके जाओ और उसमें से फिर वो एक नया ही कार्ड पूछ ले और आप बोलो ये तो मैंने करा ही नहीं है ऐसा कभी नहीं होता आपने अगर थॉरोली टेन ट्वेंटी कार्ड्स भी कर लिए हैं ना तो उसमें से आपके हंड्रेड प्लस कार्ड्स निकलते हैं इट इज़ अ स्मार्ट गेम यू हैव टू प्ले वेरी वेरी स्मार्ट इन फाइंडिंग द प्रॉपर अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट इन ऑर्डर टू गेट सेवन पॉइंट फाइव टू एट बैंड अब इसमें हम एक टॉपिक लेते हैं आप स्क्रीन को देखो ध्यान से आई वो शेयर द स्क्रीन विद यू एंड आई एल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल्स कि ये मैंने का्व्स बनाए कैसे आपके लिए और बहुत ईजी तरीका पिक किया है वैसे भी मेरा टीचिंग पैटर्न बहुत डिफिकल्ट नहीं है बहुत ईजी है कि हर बच्चे को बड़ा फ्रेंडली सा लगता है और वो आराम से क्लियर कर जाता है बेसिक पर्पस तो स्कोर लेना है ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से पढ़ के स्कोर लिया जाए ऐसा कुछ नहीं करना हमें यू हैव टू बी जस्ट रिलैक्सड अब एक कार्ड है आई विल बी पिकिंग अप टुडे अ कार्ड विद यू दैट इज़ अ फॉल्टी प्रोडक्ट दैट इज़ अ हेडिंग ऑफ द कार्ड कि फॉल्टी प्रोडक्ट है आप स्क्रीन पर देखना अभी शेयर हो जाएगा आपके साथ फॉल्टी प्रोडक्ट है वॉट इज़ अ प्रोडक्ट वाई डू यू थिंक इट वॉज़ फॉल्टी एंड वॉट वॉज योर एक्सपीरियंस ये तीन चार क्वेश्चन उसमें बनेंगे अब फॉल्टी प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन ये है जो हमें एक फॉल्टी प्रोडक्ट हैडिंग है जिसको हमें सॉल्व करना है अब इसमें मैंने जो स्क्रीन आपके साथ शेयर करके आपको समझानी है उसमें से देखना आठ दस कार्ड्स निकलेंगे स्क्रीन को आपने ध्यान से देखना है जितने वर्ड्स उसमें अंडरलाइन किए हुए हैं वो सारे कार्ड्स हैं एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी

फॉल्टी प्रोडक्ट मैं कार्ड पढ़ रही हूँ आपने ध्यान देना है जितने अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको आपने नोट करना है अब मैं अंडरलाइन वर्ड्स पे स्ट्रेस नहीं दे रही बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग टाइम एंड इवन इट विल बी बोरिंग फॉर यू अंडरलाइन वर्ड्स मीन्स इट इज़ अ कार्ड आपने वो अंडरलाइन वर्ड्स लिखते चले जाना है स्क्रीन में एंड में कार्ड के एंड में मैंने वो, वो उस कार्ड्स आपको एक बार फिर से दिखा देने हैं कि आप उनको सॉल्व करना रहा हो अब देखो फॉल्टी प्रोडक्ट इसमें शुरू कैसे करेंगे एक तो मैं आपको बता दूँगी फोर बैंड का स्टार्ट क्या होता है फोर बैंड या फाइव बैंड में बच्चे कहते हैं देर आर मेनी प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फॉल्टी दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड स्टार्ट हमेशा कार्ड को एक पॉजिटिव नोट से एक पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू करने की कोशिश करो जिससे आपकी स्टोरी डिवेलपमेंट अच्छी बन जाए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें आपके पॉजिज मिनिमाइज हो जाए चलो लेट स्टार्ट नाउ लेट हो जाएगा आपको भी और देखो ध्यान से आई एम अ प्लांट शॉपर प्लांट शॉपर मैंने अंडरलाइन किया है अब मैं दो तीन अंडरलाइन वर्ड सिर्फ डिस्कस करूँगी उसके बाद नहीं आई एम अ प्लांट शॉपर अंडरलाइन कर दिया इसका मतलब प्लांट शॉपर एक कार्ड है आई एम अ प्लांट शॉपर आई ऑलवेज बाय प्रोडक्ट आफ्टर अ कम्प्लीट सर्वे बिकॉज आई डिसलाइक वेस्टिंग मनी आई रिमेंबर अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ शॉपिंग ये फिर से अंडरलाइन हुआ हुआ है i was watching an advertisement a both important card hai, advertisement ka. i was watching an advertisement it was about a mobile phone i was very happy because the price was affordable and the features were very good i wanted to buy this cell phone uh, with my pocket money pocket money is underlined because it is the latest card hai. i wanted to buy this product with my pocket money and i was planning to gift it to my mom i went to the store for the demo and bought the phone I was very happy, but very shortly I was disappointed because the product was faulty. The display seems to be The display was dim, the keys were hard, the quality of the sound was very poor. I became sad because I could not uh, gift the phone to my mom. I went to the store and complained. The salesman was very polite. He apologized and promised me to deliver the set within 15 days. I was very happy when I got the new set, but I learned a lesson never to buy the product in haste it was a bad experience of shopping and eventually turned out to be good now you have just seen how well it is framed product market faulty product faulty product advertisement product all the underlying words they are the cards now i'll just be giving you the headings of the cards up is called dekhna ye banek saan first plant shopper then i dislike wasting money bad experience advertisement gift shortly disappointed sad moment lodged a complaint apologized lesson i learned then bad experience which turned out to be good बा नेवर बाय द प्रोडक्ट इन हेस्ट बाइंग समथिंग आउट ऑफ माई पॉकेट मनी एंड अ हैप्पी मोमेंट अब एक कार्ड में से कितने कार्ड्स निकले फोटीन सो इट इज़ नॉट अ जोक एक छोटी सी स्टोरी आपने पढ़ी समझी और ये फोर्टीन कार्ड्स हैं अब मेरा छोटा सा होमवर्क देखो एंड इफ यू डू इट आई अगेन प्रोमिस यू दैट यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर आपने इस कार्ड की स्टोरी को ध्यान से पढ़ना है बड़े ध्यान से इसको समझना है फिर ये इसमें फोर्टीन कार्ड्स हैं फोर्टीन कार्ड्स के नीचे क्वेश्चंस हैं आपने कोई भी चार पांच कार्ड्स पढ़ के और कोई भी चार पांच कार्ड्स लेके उनके पॉइंटर्स खुद से बनाने हैं वो पॉइंटर्स बना के आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो आप देखोगे इट इज़ अ मैजिक केक स्टोरी में से फोटीन कार्ड्स हमने निकाल लिए एंड आइल्स इज अ स्मार्ट गेम नॉट अ गेम ऑफ हार्ड वर्क बिलीव मी इट इज़ माई एक्सपीरियंस वॉट वॉट आई एम शेयरिंग विद यू ट्राई टू ट्रस्ट एंड फॉलो डोंट बी मिसलेड मिसगाइडेड मत होना ऐसा कुछ नहीं है कि वो फाइव हंड्रेड कार्ड्स आपके सामने एक इंडेक्स आ गया और आपने बोला नहीं जी इसी में से आता है ऐसा कुछ नहीं आता है आपको अगर एक कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसमें से कुछ भी कर सकते हो जिस बच्चे को टू प्लस टू करना आता है उसको फोर प्लस फोर भी करना आता है बिकॉज आई ऑलवेज गो बाय द कॉन्सेप्ट्स आप करके देखो मेरे को मैसेजेस कर देना कि आपको समझ आया कि नहीं if you are able to understand it properly thoroughly you have got it i mean you have registered it into your mind then let me know i'll be discussing few more cards with you few more writings with you that how you can take out so many things out of one small content i hope it's clear stay safe be happy god bless you